बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद, हाज़िर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। आज की जो रेसिपी है वो एक थाई सैलेट है। मैं बना रहा हूँ थाई पपाया सैलेट। तो चले मैं आपको बताता हूँ मुझे थाई पपाया सैलेट के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। पपाया सैलेट के लिए सबसे पहले मैं ड्रेसिंग तैयार कर लूँगा। ड्रेसिंग के लिए मुझे चाहिए, मेरे पास 2000 थाई चिलीज़ है बारडाई, और एक टेबल स्पून है लाइम जूस, और एक टीस्पून मेरे पास है फिश सॉस, और इसमें मैं शामिल करूंगा एक टीस्पून शुगर। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह ब्लेंड कर लूंगा और फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। थाई पपाया सैलेड के लिए मैंने कच्चे पपीते को अच्छी तरह ग्रेट कर लिया है इस तरीके से। रॉ पपाया उसको मैंने ग्रेट किया है। अभी इसमें शामिल करूँगा, मेरे पास हाफ कप है थाई मैंगो, इसको भी मैंने लंबा लंबा काट लिया है। अभी इसमें शामिल करूँगा 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश कोरिएंडर, और साथ ही शामिल कर दूँगा इसमें जो मैंने इसको सॉस बना के रखा हुआ है। ये थोड़ा स्पाइसी होता है, आप देख लें आपको कितना चाहिए। और तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मेरे पास रोस्टेड पीनट है। ये डाल के मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। अभी इसमें मैं शामिल कर दूँगा, मेरे पास हाफ कप चेरी टमेटोज़ है, और इसको मैं एक दफ़ा और अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। पपाया सैलेड बिल्कुल रेडी है। अभी इसके ऊपर मैं लास्ट में डाल दूँगा थोड़ा सा पीनट्स, ये रोस्टेड पीनट है, इसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है। आप जितना पसंद करते हैं उतना डाल दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह थाई पपाया सैलेड बिल्कुल रेडी है। आप इंजॉय कीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको पपाया सैलेड की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। तो इंशाल्लाह जल्द मिलूँगा एक नई बेहतरीन रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।